ऑलराइट, तो मेरा नाम है ब्रैड और मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। आई जस्ट हेट एवरीथिंग और मैं नॉट योर टाइप नहीं हूँ, ठीक है? वो लाल बाल वाला कैरेक्टर जो हर 10 दिन में वीडियो लेके आ जाता है। हे गाइस, आज हम बात करेंगे वीडियो गेम के बारे में। किसी को फर्क नहीं पड़ता है तेरे से, है ना? ठीक है, और अब से मैं हर 2 वीडियो के बाद आऊंगा। तो समर वेकेशन, तुम्हारी लाइफ का वो समय जब तुम्हारे लास्ट पेपर को बस 10 मिनट बचे होते हैं खत्म होने में। उस टाइम किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। किसी बच्चे ने पेपर पे उल्टी कर रखी होती है, पीछे के बच्चे किसी छोटे बच्चे को भिगा के मार रहे होते हैं, 2 बच्चे नानी के घर पहुंच चुके होते हैं और इधर तुम अपनी गर्मियों की छुट्टी की प्लानिंग कर रहे होते हो। बंटी, गर्मियों में बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी। और दूसरी तरफ तुम्हारी टीचर सुट्टा फूंक रही होती है। हराम ज़ादों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको परवाह तो बस इनकी छुट्टी की, मेरे बारे में तो किसी को चिंता ही नहीं है। अब मैं 3 महीने की सैलरी का क्या करूंगी यार? सिंगानी है क्या? फिर से बर्तन मांझने पड़ेंगे। छुट्टी के स्टार्टिंग के दिन बड़े सही जाते हैं। तुम अपनी 5 रुपए की फ्रूटी पीते हो और क्रिकेट की बॉल से उस बुढ़े अंकल की खिड़की तोड़ते रहते हो। अरे भाई, वो बुढ़ा आ जाएगा, अपने अंदर छड़ी घुसेड़ देगा उसकी। अरे तू आ जा, वो पिछली गर्मी की छुट्टी में मर गया था हमारी बॉल लगने से, और ये किसी को बताना मत, ठीक है? पर पता है, धीरे धीरे तुम्हारी छुट्टियां बोरिंग होने लग जाती है। रोहन, मैं थक गया तेरी शक्ल देख देख के। बदसूरत, तू रोज के रोज तेरा ये गंदा सा कटोरा कट और मुंबई इंडियंस की बास मारती हुई जर्सी पहन के आ जाता है। अभी अपन क्या करें बता? अब एक तो तेरे पास ज्यादा खिलौने भी नहीं है, तेरे पापा कितने कंजूस है यार, तेरी बहन की गुड्डनों से खेलना पड़ रहा था। मैं तो एक लेके भी आ गया, ये वाली मेरी फेवरेट है। तुम छुट्टियों के लिए जितनी भी चीजें डिसाइड करते हो सब फेल हो जाती है। ऊपर से साले ये गर्मियों में सूरज भी ग्लूकोज के एड जैसा हो जाता है। सबको चूस लूंगा। अब इतनी गर्मी से पागल होने के कारण तुम खुद की गेम्स बनाने लग जाते हो। ओए चलो अपन मौत की कसौटी खेलते हैं। हैं? वो किसी खेलते हैं? वो रोड देख, वहाँ से जो भी सही सलामत निकल जाएगा वो विनर। और रोहन, एक बात बता, तेरी ये छोटे भाई को घर पे खाना नहीं देते क्या? देख कैसा सुखड़ता जा रहा है। मेरे को कुछ हो रहा है। एक काम करते, इसको ही पहले रोड पे भेजते है, वैसे भी शायद ये मरने वाला है। जा विक्की। अब तुम ऐसे गेम खेल रहे होते हो जिनका कोई पॉइंट ही नहीं होता। जीतना हारना तो छोड़ो, जान बच जाए काफी है। ओए सुनो, वो मधुमक्खी के छत्ते को ये लकड़ी से जो भी ज्यादा बार मारेगा वो जीत जाएगा। हाँ हाँ, चल चल, मजा आएगा, वापस से ये विक्की को भेज देते हैं। रोहन, तू कैसे जाहिल गवार निर्दयी आदमी है, अभी तू वो मरते मरते बचा है। चल फिर पहले मोनू को भेज देते, उसके बाद विक्की को भेज देंगे। हाँ फिर ठीक है, मोनू ये लकड़ी पकड़ और जाके ठोक, हाईएस्ट स्कोर 0 है, मतलब तूने एक बार भी ठोकी तो तू विनर। मैं जीत जाऊंगा, जाके ठोकता हूँ अभी। कभी कभी बारिश भी हो जाती थी और बारिश में हम लोग को खेलने में बहुत मजा आता था। तो बारिश का मजा लेने के लिए हम आ जाते थे रोड पे, नंगे होके चड्डी पे। रोहन भी घरों से गिरता हुआ बारिश का पानी पी रहा होता था। हाँ, ये रोहन एक अलग ही किस्म का गवार था। ये एक मग्गा लेके आता था और रोड पे जमा हुआ पानी देख के खुद पे डाल लेता था। ये पानी का झरना। रोहन, तेरे साथ कुछ गलत वलत है क्या? मर जाएगा अनपढ़ जानवर, बीमार हो गए। बचपन में तू के सर्वर के बल फिका गया था कि टाइफाइड नहीं तो पता नहीं कौन सी बीमारी हो सकती है वो पानी से। कभी कभार हमको दूसरी गली के बच्चे भी मिल जाते थे, वो एक गाड़ी के टायर को लकड़ी से मार के उसके पीछे भाग रहे होते थे। मुझे नहीं पता उसमें क्या मजा आता था, लेकिन फिर हम भी उनके पीछे भाग रहे होते थे। पीछे हमारे माँ बाप हमको देख के सोचते होंगे कि क्या गलती कर दी इनको बड़ा करने में, इतने अनपढ़ क्यों रह गए हमारे बच्चे। कभी कभी ज्यादा बारिश होने के कारण हम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और इंतजार करते थे कि दूसरे पेड़ पर कब बिजली गिरेगी। हम लोग ने बहुत बार विक्की को भी दूसरे पेड़ के नीचे लोहे की रॉड दे के खड़ा करा था। ये इससे मुझे सच में पावर मिलेगी बिजली की। विक्की चौथी फेल, चुपचाप सीधा खड़ा रहना वहाँ पे। पूरा दिन तुम अपने बिना सर पैर के गेम्स खेल के रात में घर आते हो। हे भगवान, आ गया ये अनपढ़ घर, जरा इसकी हालत तो देखो, गीला लाचार जानवर लग रहा है, पूरा गीला लाचार जानवर। अगले दिन फिर से सुबह होती है, तुम अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाने जाते हो, पर उनके माँ बाप तुम्हें भगा देते हैं। अंकल, रोहन खेलेगा क्या? नहीं, उसको कल रात में निमोनिया है, पता नहीं कोई सी बीमारी हो गई थी, मर चुका है वो, जाओ यहाँ से। बस यही थी तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियाँ। कभी कभार तुम्हारी हड्डी टूटती है और कभी कभार तुम मर जाते हो। छुट्टियों के बाद तुम वापस स्कूल जाते हो, तुम्हारे टीचर तुमसे पूछता है कि तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही। मैं तो नानी के यहाँ गई थी, मैंने वहाँ मिठाई खाई और छोटे कुत्ते पाले, और उधर पीछे मैं बैठा हुआ हूँ हाथ में फ्रैक्चर और सूजी हुई आँख लेके, बिल्कुल गीले लाचार जानवर की तरह। वेल, मैंने मेरी गर्मियों की छुट्टी में खुद पे कार चढ़वाई, 1000 मधुमक्खियों से कटवाया और मेरे 3 दोस्त मर गए बारिश का पानी पीने से। तो हाँ, देखा जाए तो मेरी छुट्टियाँ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी है नानी के घर जाके कुत्ते पालने वाली की। वीडियो खत्म।
और भी कुछ बोलने का होता है क्या यार? अपुन को नहीं आता ये वीडियो खत्म वतम करते यार, मगर अपुन को भी वायरल होने का है। तो हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना कि ब्रैड इज बेस्ट, नॉट योर टाइप इज नॉट बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम लोग 200K के बहुत करीब है। और अगर इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो का एक स्क्रीन शॉट लो, उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डालो, मुझे टैग करो और मौका पाओ एक प्यारा सा, नहीं प्यारा सा नहीं, एक बहुत ही खतरनाक सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू रॉनी टून्स। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।